थाना गोवर्धन क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोर आए दिन किसी न किसी वारदात को अंजाम देकर इलाका पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। ऐसा ही मामला मथुरा जनपद के गोवर्धन क्षेत्र में देखने को मिला, जहां एक दुकानदार अशोक अग्रवाल, जो कि अपनी दुकान से थोड़ी देर के लिए किसी काम से हट गए, वहां मौजूद एक लंबे बाल वाले व्यक्ति के द्वारा उसके गले से 1.5 लाख रुपए पार कर दिए गए। ये घटना गोवर्धन डी रोड स्थित मंडी समिति के सामने की बताई जा रही है। दुकान स्वामी के द्वारा मामले की पूरी जानकारी देते हुए बताया गया कि जिस व्यक्ति के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया, अगर वो व्यक्ति सामने आ जाए तो वो उसको पहचान सकता है। घटना की जानकारी दुकान स्वामी के द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपनी कार्यवाही शुरू कर दी। क्या नाम है आपका? अशोक। क्या वारदात हो गई आपको? सर, यहाँ पर एक हमारी गल्ला मंडी में एक आड़त की दुकान है, तो वहाँ पर एक गेहूं की टोली आई थी, तो उसको खुलवाने के लिए 5 मिनट के लिए यहाँ से चले गए। तो आके देखा तो हमें करीब 1.25 लाख रुपए था, और कोई थोड़े काला सा कलर का लड़का है और लंबे लंबे से थोड़े बाल है, वैसे एक्चुअल उसको जानते नहीं है, पर वो पीछे से ऐसा लग रहा है कि सकर बजाऊ का है। पहले से भी कभी देखा गया था यहाँ पर? हाँ, वो ये 2-4-5 गांवों की ग्राहकी है अपनी, तो आते जाते रहते हैं और आता जाता था, एक आध बार देखा था। क्या पहचान कर पाओगे आप? हाँ, हो सकता है उसका चेहरा सामने आए तो पहचान कर लेंगे। सूचना दी पुलिस? हाँ, पुलिस सूचना में आई थी और तहसीलदार करके ले गई अपनी तहकीकात कर ले गई।